वीडियो देखने वाली सभी बहनों का इसलार क्रिएशन चैनल में स्वागत है। बहन, आज आपको ये थालपोश बुनना सिखाएंगे। ये थालपोश हमने फार्म से बुना है। आपके पास फार्म नहीं है तो आप उनसे भी इस डिजाइन को बुन सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इस थालपोश को बुनने के लिए फार्म की 1 रील ऊन से बुन रही हैं। 100 ग्राम ऊन, क्रोशिया 1.2 mm। पहले लगाइए इस तरह से गांठ। गांठ लगाने के बाद बुनिए 4 चैन। 1, 2, 3, 4। 4 चैन बुनने के बाद जोड़ना है फर्स्ट वाली चैन से। जोड़ने के बाद बुनिए 3 चैन। 1, 2, 3 चैन। फंदा लेकर के इस छेद में हमें डबल क्रोशिया बुनना है। डबल क्रोशिया इस तरह से 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। ये जो हमने 3 की चैन बुनी, ये भी जोड़ लेंगे। 1, 2, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस छेद में टोटल 24 डबल क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस छेद में टोटल हमने 24 डबल क्रोशिया बुन ली है। अब इसे यहां से जोड़ना है। जो हमने पहले 3 चैन बुनी थी, 1, 2, 3 थर्ड वाली चैन, ऊपर से ये फर्स्ट चैन होगी, नीचे से थर्ड वाली चैन होगी। इसी चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 1, 2, 3 चैन फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में डबल क्रोशिया बुनेंगे। 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से ये भी जोड़ लेंगे। 1, 2 फर्स्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन फंदा लेना है, सेकेंड चैन 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1, 2, 3 चैन। 3 चैन बुन करके फंदा लेना है। बहन यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1, 2 चैन छोड़नी है। 1, 2 थर्ड वाली चैन, इसमें बुनेंगे हम 2 डबल क्रोशिया। 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से 1, फिर से इसी चैन में बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन फंदा लेकर के नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशिया, 1, फिर से इसी चैन में बुनेंगे 2, 3 चैन, 1, 2, 3 चैन फंदा लेकर के 1, 2 चैन छोड़ करके थर्ड वाली चैन, इसमें बुनेंगे हम यहां से 1, 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 चैन फंदा लेकर के फिर से नेक्स्ट चैन 2 डबल क्रोशिया, 1। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 3 की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले 3 की चैन बुनी हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है। सेकेंड चैन इसमें बुनेंगे हम हाफ सिंगल क्रोशिया, ये जो 2 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया। 3 चैन, 1, 2, 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया इसी चैन में बुनेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में बुनना है 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 चैन, 1, 2 चैन। ये जो हमने 3 की चैन बुनी इसमें बुनेंगे हम 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 5 डबल क्रोशिया बुनने के बाद इधर 2 की चैन है, इधर भी 2 की चैन, 1, 2 की चैन बुन करके फंदा लेना है। इसमें इसी तरह से बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 चैन
फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में बुनेंगी हम 2 डबल क्रोशिया, 1 2। आपको समझाते हैं, 2 चैन बुनिए, ये जो 3 की चैन इसमें 5 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन इसी में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 2 की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले 3 की चैन बुनी हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। सेकेंड चैन इसके पास जो है उसमें हाफ सिंगल क्रोशिया, ये जो 2 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 चैन इसमें इसी तरह से बुनेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 डबल क्रोशिया, फिर से देखिए बहन यहां से 1 2 चैन, 2 चैन फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में बुनना है 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब बुनेंगे 2 चैन, 1 2 चैन, फंदा लेकर के 5 चैन है, पहले फर्स्ट वाली चैन में बुनेंगे हम 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चैन, ये थर्ड वाली चैन हमारी बीच की चैन है, इसमें देखिए इस तरह से पहले 1 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 चैन, बीच में 3 चैन हो जाएगी, फंदा लेना फिर से इसी थर्ड वाली चैन जो बीच की चैन है इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया। अब इधर हमारे पास 2 चैन है इस तरह से, 4 चैन में 1 डबल क्रोशिया और ये 5 चैन में 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर इधर 2 की चैन है, 1 2, 2 की चैन बुन करके फंदा लेना है, इसमें जैसे हमने आपको बताया 2 डबल क्रोशिया बुनिए, फिर 2 चैन, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया, बुनने के बाद फिर 2 चैन, फर्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड में 1, थर्ड में 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया, 4 चैन में 1 डबल क्रोशिया और 5 चैन में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 2 की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले 3 की चैन बुनी है हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। सेकेंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, 2 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 चैन बुनेंगे, 1 2 3 चैन, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया, ये भी जोड़ लेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चैन, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 1 2 2 चैन बुन करके, ये 3 चैन है, हर चैन में 1 डबल क्रोशिया, फर्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन में 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चैन में 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फंदा लेकर के ये जो 3 की चैन बुनी थी इसमें बुनेंगे हम 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बुनने के बाद इधर 1 की चैन है, इधर भी 1 की चैन बुन करके इधर हमारी ये 3 चैन है, हर चैन में 1 डबल क्रोशिया, फर्स्ट 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चैन 1 डबल क्रोशिया, इधर 2 की चैन, 1 2 2 की चैन बुन करके फंदा लेना है, इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनेंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन इसी में 2 डबल क्रोशिया, बुनने के बाद 2 चैन, फिर जैसे इसमें बुना इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में 2 की चैन बुन करके यहां से जोड़ना है, जो 3 की चैन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया उसी के फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देंगे। सेकेंड चैन इसके पास जो है इसमें बुनेंगे हम हाफ सिंगल क्रोशिया, ये 2 की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनेंगे, फिर इसी चैन में 2 डबल क्रोशिया,
वन टू। अब यहां पे बुनेंगे हम, देखिए वन टू टू चैन, टू चैन बुन करके फंदा लेना है। यहां पे देखिए इस तरह से ये फर्स्ट वाली चैन फंदा निकालेंगे, टू से टू फंदा छोड़ देंगे, फंदा लेकर के सेकंड चैन ध्यान से देखिए बहन, टू से फंदा निकालेंगे थ्री फंदे छूट जाएंगे, फंदा लेकर के थर्ड वाली चैन से टू फंदा निकालेंगे, हमारे पास फोर फंदे हैं, एक साथ सभी से फंदा निकालना है। यहां पे वन फोर चैन, टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके फंदा लेना है फर्स्ट वाली चैन, इसमें सेवन चैन है, फर्स्ट वाली चैन टू से फंदा निकालेंगे, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन टू से फंदा निकालेंगे, थ्री फंदे छूट जाएंगे, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन से फंदा निकालेंगे टू से, अब एक साथ फोर से फंदा निकालेंगे, टू चैन वन टू, टू चैन बुन करके फंदा लेना है, देखिए बीच में जो वन चैन छोड़ करके फर्स्ट छोड़ करके सेकंड एक बीच में चैन छोड़ देनी है, इसी चैन में वन टू से फंदा निकालेंगे, टू छूट जाएंगे, फिर इसी चैन टू से निकालेंगे, थ्री फंदे छूट गए, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन से टू से, हमारे पास फोर फंदे हैं, एक साथ सभी से फंदा निकालना है, टू चैन वन टू, टू चैन फंदा लेकर के फिर से वन छोड़ करके इसमें इस चैन से इसमें एक चैन छोड़नी है, टू से फंदा निकालेंगे, टू छूट जाएंगे, फिर से इसी चैन से टू से निकालेंगे, थ्री फंदे छूट गए, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन से फंदा निकालेंगे, टू से एक साथ फोर से फंदा निकालेंगे, टू चैन वन टू, टू चैन फंदा लेकर के एक चैन छोड़ करके लास्ट वाली चैन, पहले टू से फंदा निकालना, टू छूट जाएंगे, फिर से इसी चैन से टू से निकालेंगे, थ्री फंदे छूट गए, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन से टू से एक साथ फोर से फंदा निकालना है, वन टू थ्री फोर फाइव, जिसे छोड़ करके ये तो ये देखिए वन टू थ्री फोर, फोर है फिर वन, यहां पे फोर चैन थी, वन टू थ्री फोर फंदा लेकर के अब इस तरह से इसमें भी फर्स्ट चैन टू से फंदा निकालना है, टू छूट जाएंगे, फंदा लेना है सेकंड चैन टू से, थ्री फंदे छूट गए, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन से टू से फंदा निकालेंगे, हमारे पास फोर फंदे हैं, एक साथ सभी से फंदा निकालना है इस तरह से। ये देखिए इधर टू चैन वन टू, टू चैन बुन करके फंदा लेना, इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले बुनी थी थ्री की चैन, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना है, सेकंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, टू की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री चैन इसी चैन में बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया टू चैन फंदा लेकर के फिर से टू डबल क्रोशिया, वन टू टू चैन इसमें बुनेंगे हम, वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके ध्यान से देखिए फिर से इसी चैन में वन सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके इसमें देखिए वन टू थ्री है, वन इधर से छोड़ेंगे वन इधर से छोड़ेंगे, बिचारी इस चैन में बुनेंगे हम थ्री सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, इधर फाइव चैन है इधर भी फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके इसमें बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया जैसे उधर बुना है, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके फिर से इसी चैन में वन सिंगल क्रोशिया, टू चैन वन
टू, टू चैन बुनकर की फंदा लेकर के इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनना है, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, बुनने के बाद टू चैन, फिर इसमें वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, फिर इसी में वन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुनकर की, ये जो हमने पहले बुनी थी थ्री की चैन, हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया, सेकंड चैन में हाफ सिंगल क्रोशिया, टू की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, वन टू, टू डबल क्रोशिया, वन टू चैन, फिर से इसी चैन में टू डबल क्रोशिया, वन टू, बुनेंगे टू चैन, वन टू, टू चैन बुन करके फिर से इस तरह से फंदा लेकर के इसमें बुनेंगे हम, फोर की चैन बुनी थी इसमें बुनेंगे फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, बुनेंगे हम फोर चैन, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके ये थ्री सिंगल क्रोशिया थी पहले जो यहाँ पे चैन बुनी थी फाइव की, इसमें बुनेंगे यहाँ पे वन सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, वन सिंगल क्रोशिया इस चैन में, टू टू सिंगल क्रोशिया और ये थ्री सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे थी एक हमारी फोर सिंगल क्रोशिया, और फिर से एक इधर बुनेंगे फाइव सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया थी, वन सिंगल क्रोशिया इधर बढ़ गई और वन सिंगल क्रोशिया इधर बढ़ गई, टोटल हो गई फाइव सिंगल क्रोशिया, इधर फोर की चैन, वन टू थ्री फोर, फोर की चैन बुन करके फिर से इसमें बुनेंगे हम फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बुनने के बाद टू चैन, टू चैन बुन करके फंदा लेना है, इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनना है, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया बुनने के बाद टू चैन, फिर इसमें फाइव डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले बुनी थी थ्री की चैन, हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया, सेकंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, टू की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, वन टू, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, फिर से इसी चैन में टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन, टू चैन बुन करके फंदा लेकर के फाइव चैन है, फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री चैन, फिर से थर्ड वाली चैन इसमें वन डबल क्रोशिया, फोर चैन वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन बुनेंगे, वन टू थ्री चैन, फाइव चैन है, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, थ्री चैन बचेंगे, फर्स्ट छोड़ करके सेकंड चैन, वन नेक्स्ट चैन, वन नेक्स्ट चैन, वन, थ्री सिंगल क्रोशिया हो गए, हर चैन में वन सिंगल क्रोशिया, इधर से एक चैन छूट गई, एक चैन इधर से छूट गई, इधर है यहाँ पे थ्री चैन, तो इधर भी थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, थ्री चैन बुन करके फंदा लेकर के फिर से देखिए यहां से उसी तरह से फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन
डबल क्रोशिया, थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, फिर से इसी चैन में वन डबल क्रोशिया, फोर चैन, वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन, वन डबल क्रोशिया, उधर है टू की चैन, इधर भी टू की चैन, वन टू, टू की चैन बुन करके फिर इसमें जैसे बुनते हैं उसी तरह से बुनेंगे, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके, ये जो हमने पहले बुनी थी थ्री की चैन हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया सेकंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, टू की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री चैन, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन, फंदा लेकर के फिर से इसी चैन में बुनेंगे टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन, टू चैन बुन करके फंदा लेना है, थ्री चैन है, फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, वन चैन, ये जो थ्री की चैन है इसमें बुनेंगे हम सेवन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन डबल क्रोशिया बुनने के बाद बुनना है, इधर हमने वन चैन बुनी थी, इधर भी वन चैन, फंदा लेकर के थ्री चैन है, फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, फोर चैन बुनेंगे, वन टू थ्री फोर चैन, थ्री चैन है, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, जो बीच की सेकेंड चैन है इसमें बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया, इधर फोर की चैन है, इधर भी फोर की चैन, वन टू थ्री फोर, फोर की चैन बुन करके फिर से यहां से इसी तरह से बताते हैं आपको, फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, फिर वन चैन, फिर जो थ्री की चैन इसमें सेवन डबल क्रोशिया, फिर से वन चैन, थ्री चैन है, फर्स्ट में वन डबल क्रोशिया, सेकेंड में वन डबल क्रोशिया, थर्ड में वन डबल क्रोशिया, जैसे इसमें बुना है। बुनने के बाद इधर टू की चैन है, इधर भी टू की चैन बुन करके फिर इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनना है, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कम्प्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया सेकंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, टू की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन इसे भी जोड़ लेंगे, वन टू, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, टू चैन बुन करके ये थ्री चैन है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली चैन से फंदा निकालेंगे टू छोड़ देंगे, फंदा लेकर के सेकेंड चैन फंदा निकालेंगे टू से, थ्री फंदे छूट जाएंगे, फंदा लेना है, फिर थर्ड वाली चैन से टू से फंदा निकालेंगे, एक साथ फोर से फंदा निकालेंगे, फोर चैन, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके इसमें सेवन चैन है, फर्स्ट चैन ध्यान से देखिए, टू से फंदा निकालेंगे टू छूट जाएंगे, फंदा लेना, फिर से इसी चैन से टू से निकालेंगे, थ्री फंदे छूट गए, फंदा लेना है, फिर से इसी चैन से टू से फंदा निकालेंगे, फिर एक साथ फोर से फंदा निकालेंगे, वन टू चैन, टू चैन बुन करके वन चैन छोड़ देंगे, फिर सेकेंड चैन इसमें बुनना है, ये वाली लाइन बुन रहे हैं इसमें इस तरह से फोर, ये सेवन चैन है इसमें फोर हो जाएंगे, फिर जैसे फोर चैन बुन करके जैसे इसमें बुना है इसी तरह से ये थ्री चैन है इसमें बुनेंगे, बुनने के बाद फिर इसमें बुनना है, फिर दिखाते हैं। ये देखिए बहन, इसमें बुनने के बाद कोई चैन नहीं बुनना है, फिर जैसे इसमें बुना है इसी तरह से इसमें बुनेंगे, फिर लास्ट में जैसे इधर टू की चैन, फिर टू की चैन बुन करके इसमें जैसे टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देना सेकंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, इसमें जैसे बुनते टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन, इसमें बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, वन टू थ्री फोर,
फोर चैन बुन करके फिर से इसी चैन में वन सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके इधर से एक चैन छोड़ेंगे, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, बीच वाली चैन इसमें बुनेंगे थ्री सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके इसमें बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके फिर इसी चैन में बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके देखिए इसमें इसमें बुनेंगे हम इधर से एक चैन छोड़ेंगे, एक चैन इसमें बीच वाली चैन इसमें बुनेंगे थ्री सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, फाइव चैन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चैन बुन करके इधर इसमें बुनेंगे वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके फिर इसी में बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया, उधर टू की चैन है, वन टू, टू की चैन बुन करके फिर यहाँ से उसी तरह से इसमें टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कम्प्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके फर्स्ट वाली चैन से जोड़ देना, इसमें जैसे बुनते टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, टू चैन बुन करके फंदा लेना है, इसमें बुनेंगे हम फाइव डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया बुनने के बाद वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके थ्री चैन है, ये जो हमने फाइव की चैन बुनी थी इसमें बुनेंगे हम वन सिंगल क्रोशिया और थ्री चैन है इसमें, हर चैन में वन सिंगल क्रोशिया, वन और ये भी जोड़ लेंगे, वन टू सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया, फोर सिंगल क्रोशिया, ये जो फाइव की चैन है इसमें बुनेंगे इधर वन सिंगल क्रोशिया, हो गई फाइव सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, फोर चैन बुन करके फिर से इसमें बुनना है, आपको समझाते हैं, फाइव डबल क्रोशिया बुनिए, फाइव डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर से फोर चैन, फोर चैन, फिर ये जो फाइव की चैन है एक सिंगल क्रोशिया इसमें बढ़ जाएगी, एक इधर बढ़ जाएगी, थ्री है, फाइव हो जाएंगे, फाइव सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर फोर चैन, फिर इसमें बुनेंगे फाइव डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर टू चैन बुन करके इधर टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, इस तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट करके लास्ट में टू की चैन बुन करके जो हमने पहले बुनी थी थ्री की चैन, हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया, उसी के फर्स्ट वाली चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया, सेकेंड चैन हाफ सिंगल क्रोशिया, टू की चैन इसमें आने के लिए हाफ सिंगल क्रोशिया, थ्री चैन इसे भी जोड़ लेंगे, वन टू, टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, टू चैन बुन करके ये लाइन बुननी है, फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन बुन करके फिर से थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, फोर चैन वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन बुन करके फाइव चैन है, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, बचेंगी थ्री चैन, हर चैन में वन सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, थ्री चैन बुन करके फिर इसमें इसी तरह से बुनना है, फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन फिर से थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, फोर चैन वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन एक चैन इधर से छोड़ेंगे, एक चैन इधर से छोड़ेंगे, थ्री चैन बचेंगी, हर चैन में वन सिंगल क्रोशिया, थ्री सिंगल क्रोशिया, फिर थ्री चैन बुन करके फर्स्ट चैन वन डबल क्रोशिया, सेकेंड चैन वन डबल क्रोशिया, थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, थ्री चैन फिर से थर्ड चैन वन डबल क्रोशिया, फोर चैन वन डबल क्रोशिया, फाइव चैन वन डबल क्रोशिया, टू चैन बुन करके इसमें जैसे बुनते उसी तरह से टू डबल क्रोशिया, टू चैन, इसी में टू डबल क्रोशिया, उसके बाद ये टू राउंड और बुन लेंगे हम, ये राउंड बुन करके ये टू राउंड लाइने और बुन करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहन, यहाँ तक हमने थालपोश बुन लिया है, इस थालपोश को और बड़ा आप बुनना चाहती है, इसी चैन में टू डबल क्रोशिया, टू चैन, टू डबल क्रोशिया, टू चैन बुन करके इसमें बुनेंगे वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, फिर इसी चैन में वन सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन बुन करके एक चैन इधर से छोड़ेंगे, एक चैन इधर से, इस चैन में थ्री सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन बुन करके फिर इसमें बुनेंगे वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन, फिर इसी में वन सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन बुन करके
इसमें बुनेंगे थ्री सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन इसमें वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन इसी में वन सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन इसमें थ्री सिंगल क्रोशिया, फाइव चैन बुन करके वन सिंगल क्रोशिया, फोर चैन फिर इसी में वन सिंगल क्रोशिया, टू चैन बुन करके इसमें जैसे बुनते उसी तरह से बुनना है। इसी तरह से इस थालपोस को बहन आप जितना बड़ा बुनना चाहोगे बुन सकती हो। पहले वन टू थ्री ये भी साथ में बुनना है और वन टू थ्री फोर। और बहन अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।